इस तरह की भाई, इस तरह की आवाज आपको सुनाई देगी, इधर अजीब किस्म की आवाज आ रही है, सुनाई देगी आपको। तो मेरा दोस्तों, मैं एक जगह ऐसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर ये पौधे वगैरह आप देख रहे हैं, जितने भी दरख्त वगैरह आप ये घने घने दरख्त देख रहे हैं ना, आप खतरनाक से, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें, ये बहुत ही थोड़ा डेंजरस सा लगता है। मेरा आना जाना यहाँ बिल्कुल कम है, काफ़ी लोगों का आना जाना कम है। ये इतना गहरा है कि इसके अंदर हाथ भी नहीं जा सकता, ना ही मोबाइल जा सकता है। यहाँ पे अंदर क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं। ये असल में पहले जो लोग थे वो गांव में घरों की दीवार की जगह इसी चीज़ को इस्तेमाल करते थे, पौधे लगा देते थे, ताकि कोई भी जानवर जो है, बड़ा जानवर जो भैंस या गधा वगैरह, अंदर ना सके। तो वो आहिस्ता आहिस्ता घने हो गए, जो कई सालों से यहाँ पर ऐसे ही मौजूद हैं। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, और क्या क्या यहाँ पर उनके साथ वाक्या पेश हुआ है वो यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि उनकी वॉइस में वो क्या बताते हैं कि यहाँ उन्होंने क्या क्या देखा। तो मैं अभी वीडियो जो है वो उस घने जंगल की तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने कुछ वाक्या देखे थे। निसार भाई, ये वही जगह है जो अभी आपने बताया था, पूछा था मुझसे। ये आप ये दरख्त देख रहे हैं, ये बहुत पुराना है, काफ़ी टाइम पुराना है। इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 100 साल से भी इसकी जो ना ज़्यादा इसको हो गया। और आप मुझे इसको, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त लगी। यहाँ जो मकड़ियों की जाली लग रही है, ज़रा करीब लें, मुझे लग रहा है ये सालों से ना टूटी नहीं है, देखें सुराख बंद है। ये तकरीबन अभी जो है ना, आप देख रहे हो कुछ टाइम के बाद इनकी हालत ये है। आप देख रहे हैं इस पर आग के निशान भी हैं, ये काला लगा हुआ है। तो इसको हमने काफ़ी टाइम, इसको पहले जलाया भी था, इसको आग लगाई थी। आग इसलिए लगाई थी तो यहाँ पे जो ना सांपों का एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक निज़ाम था। अच्छा, सांप यहाँ बहुत ज़्यादा होते थे या इसी जगह पर या आस पास भी कहीं होते थे? नहीं, ये पूरे जंगल में ना अक्सर सांपों की ज़्यादा यहाँ पे जो है ना इनका घर बने हुए थे। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा लेकिन डीपली अंदर देखें कितना अंदर है, ये गहरा है, अब इसके अंदर हम जा नहीं सकते। क्या पहले इस तरफ गए? नहीं, मैं पहले कभी नहीं गया उसके अंदर। सही, कभी जाने की कोशिश नहीं किया क्योंकि अंदर एक तो सांप भी है और साथ में जो है ना कुछ और चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे हमें खौफ खाते हैं। अच्छा, आपने ये कुल्हाड़ी पकड़ने का मुझे क्यों कहा था? ये कुल्हाड़ी इसीलिए हमने उठाया था, यहाँ पे चलते फिरते हमें पता ही नहीं चलता यहाँ पे सांप आगे निकल के आ जाते हैं। सांप यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सर्दी हो चाहे गर्मी हो, यहाँ पे सांप अक्सर हम लोग देखते हैं, इनको मारते हैं। ये शाम के बाद जो है ना कोई हमारे जो बच्चे वगैरह बिला वजह बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये घर से दूर काफ़ी जगह है? ये काफ़ी घर से दूर है, तकरीबन जो है ना मैं कहता हूँ कि नहीं तो नहीं तो 200 या 300 फुट की जो है ना ये दूरी पर है, इतना साथ में नहीं है। अच्छा, वहाँ का आप क्या किस्सा बता रहे थे, वहाँ क्या था? यहाँ भी इसी का यही सिलसिला था। ये जगह तो ना बहुत गहरा है, अभी ये आप यहाँ देखें ये सूखा हुआ है ना, मुझे लग रहा है सालों से ये कोई आया नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई जगह। ये अभी हमने इसका जो है ना काम बीच में किया था, काफ़ी दरख्तें काटी हैं हमने, जगहें थोड़ी सी हमने बनाई इसके अंदर। और आप देख रहे हैं ये सारे जितने घने दरख्त देख रहे हैं ना आप, ये अभी हमने इसको छोटे किए हुए, ये काफ़ी बड़े थे। यहाँ पे आने जाने का रास्ता भी इधर से नहीं था हमारे पास। तो आप लोग यहाँ रास्ते से गुजरते हो, आपको खौफ नहीं आता यहाँ पर? और क्या करें, हम तो यहाँ पे रहते हैं, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो रहना पड़ता है इसके साथ। निसार भाई, आप थोड़ा सा अब ध्यान दो, आपको ऐसी आवाज़ें डीपली सुनाई देंगी। इस तरफ से आ रही है मुझे लग रहा है। हाँ, इस तरफ से आ रही है। ये कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, मतलब क्योंकि एक तो सांप भी है और साथ में जो गो नहीं होता, गो होता है वो बहुत बड़े होते हैं, वो आपको फौरन देख कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, काटते भी हैं। ये सांपों की कई नस्लें हैं, एक नहीं है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मगरिब का टाइम हो गया, तो लोग कहते हैं कि मगरिब टाइम सेफ नहीं होता, तो क्यों ना हम निकल जाए। बिल्कुल आपकी बात सही है, यहाँ पे बड़े हमारे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ गैबात वगैरह की भी थोड़ी सी जो है ना वो यहाँ पे आसार हमने पाए गए हैं यहाँ पे। तो बड़ों का कहना है कि शाम के बाद जो है ना हम इस तरह आते नहीं यहाँ पे, वो बिल्कुल नहीं आते वाकई। तो मुझे ना यहाँ पर अजीब किस्म के मच्छर नहीं है, कुछ हो रहे मुझे ऐसे काट रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये होंगे कीड़े मकोड़े, ऐसे होंगे, जहरीले भी होते हैं यहाँ पे, हर किस्म के होते हैं। किस चीज़ की आवाज़ है? ये बुलबुल है।
ये बुलबुल का ऊपर घोंसला बना होगा, अभी शाम के टाइम में उस पर आया, बैठने के लिए आया होगा इधर। मुझे मेरे ख्याल से वहाँ देख भी रहा। हाँ हो रहा, हो रहा सामने चला गया। बिल्कुल आपके पास सही है बुलबुल ही था। मेरे ख्याल से अभी हमें चलना चाहिए। तो दोस्तों ये जगह जो है बहुत ही थोड़ा मैस्ट्री टाइप का है, तो नजीब कीजिए इस तरह की वैसा की आवाज़ें आपको सुनाई देगी, इधर अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही है, सुनाई देगी आपको। तो मेरा ख्याल है और मगरिब के मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट रह गए, सूरज गुरूब होने वाले, तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ ज़्यादा खड़ा होना मुनासिब है। तो मेरे ख्याल से अभी हम चलते हैं, तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। दोस्तों ऐसी मैसेज और ऐसी कॉन्टेंट के लिए अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।